नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर फिल्म मांटो आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है। अभिनेत्री और निर्देशक नंदिता दास की फिल्मों का चयन हमेशा से ही बहुत हट कर रहा है। उन्होंने फिल्म फिराक के साथ डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा था। इस बार नंदिता ने उर्दू शायर और नामचीन शख्सियत सआदत हसन मंटो के जीवन के ऊपर फिल्म बनाने का प्रयास किया है और अच्छी रिसर्च के साथ उनके जीवन के 4 साल को नंदिता ने दर्शाने की कोशिश की है, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि फिल्म की कहानी क्या है। फिल्म की कहानी 1946 के बॉम्बे से शुरू होती है, जहां उर्दू शायर और राइटर सआदत हसन मंटो अपनी पत्नी सफिया और बेटी निधि के साथ रहता है। मंटो का ख्याल हमेशा से ही सबसे बड़ा जुड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से कभी उसकी फिल्म के प्रोड्यूसर से जीरो हो जाती है तो कभी फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों के साथ अनबन हो जाया करती थी। इतना ही नहीं, राइटर ग्रुप के दोस्तों जैसे स्मित चुगताई से भी इसका अंदाजा जुदा रहता है। इसमत और मंटो के ऊपर लेखन के माध्यम से लाहौर में अश्लीलता फैलाने का केस चल रहा होता है। उसी दौरान भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है, जिसकी वजह से बॉम्बे को बेइंतहा प्यार करने वाले मंटो को अपने दोस्त और सुपरस्टार श्याम से बिछड़ करके पाकिस्तान जाना पड़ता है। पाकिस्तान में मंटो को अपने लिखे गए ठंडा गोश्त कहानी के लिए केस झेलना पड़ता है और अंत तक कहानी में कुछ ट्विस्ट आते हैं, जिसे जानने के लिए आपको एक बार फिल्म तो जरूर देखनी पड़ेगी। फिल्म की कहानी और उसे दर्शाने का ढंग बेहद दिलचस्प है। 40 के दशक को नंदिता दास ने उस समय प्रयोग में आने वाले उपकरणों और वेशभूषा के साथ साथ छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हुए दिखाया है। नंदिता ने मंटो के जीवन के सिर्फ 4 सालों को लगभग 2 घंटे की इस फिल्म में दर्शाया है, जिसमें मंटो की सोच और रहन सहन के ढंग को बखूबी देखा जा सकता है। लोग मंटो के बारे में बार जानते हैं, उन्हें यह फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। हालांकि जिन्हें उनके बारे में नहीं पता, उनके लिए भी यह फिल्म एक बायोपिक के रूप में परोसी गई है, जहाँ कुछ भी अधिकता में नहीं पेश किया गया। अभिनय के लिहाज से नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मंटो का किरदार बेहतरीन ढंग से निभाया और उन्हें देखकर लगता कि आखिरकार मंटो का मिजाज कैसा रहा होगा। वहीं रजका दुग्गल ने मंटो की पत्नी के रूप में बहुत बढ़िया काम किया है। इसके अलावा ताहिर राज हसी ने भी सह अभिनय के रूप में काम अच्छा किया हुआ है। अब मंटो की कहानी की कमजोर कड़ियों की बात करें तो फिल्म में कमजोर कड़ी शायद इसकी शुरुआत है, जिससे वो लोग इंतफाक नहीं रख पा रहे हैं जो मंटो को बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि फिल्म में कई ऐसे किरदार हैं जो 40 और 50 के दशक में काफ़ी मशहूर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये फिल्म काफ़ी अच्छी बनी हुई है। ये फिल्म को तेज न्यूज़ लाइव 4.5 स्टार देता है। अगर आप भी इस फिल्म को देखना चाहते हो और इस फिल्म को देखकर हमें अपना रिएक्शन बताइए, किस तरीके की मूवी लगी, आप इसे कितना स्टार देना चाहते हैं।